ट्राइड एंड रजिस्ट विद सोनम में आपका स्वागत है, जहाँ की हर रेसिपी होती है 100% ट्राइड एंड टेस्टेड, और वो भी आपके किचन में मिलने वाले सामान के साथ ही बहुत आसानी से बनने वाली। आज यहाँ आपके लिए बनारस की एक डिश बन रही है जिसका स्वाद और सुगंध दोनों ही बहुत यूनिक होता है, लेकिन तब भी इसका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की दाल 1 कप, वो भी बिना छिलके वाली। इस दाल को हमें धोकर साफ़ नहीं करना है, पानी से बिल्कुल नहीं धोना है, इसको सूखा ही यूज़ करना है, जिसके लिए हम इसको एक छन्नी पे डालकर इस तरह से साफ़ करेंगे और फिर एक सूखे साफ़ किचन टावल पर रख कर मल मल कर साफ़ कर लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी धूल वगैरह हो वो सब निकल जाए। अगर कंकड़ वगैरह भी हो तो वो भी आप इसमें से चुनकर निकाल लीजिए। अगर आपको रेडीमेड उड़द की दाल का पाउडर मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दाल को कुछ इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लिया। क्योंकि दाल को हमने पानी से नहीं धोया है, इसलिए हमें दाल की सफाई पर खास ध्यान देना है। अब इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। बहुत कोर्स सा पाउडर नहीं बनाना है हमें, बस कुछ इस तरह से पाउडर बनाना है। ये देखिए, तो ये पाउडर रेडी हो गया। अब एक मोटे तले की कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप घी ले लेंगे। घी हमें जमे हुए फॉर्म में लेना है, अगर हम पिघला हुआ घी लेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा घी लेना पड़ेगा। तो घी को ये मेल्ट कर लिया मैंने अच्छे से। अब थोड़ी सी जो दाल का पाउडर वो डाल के चेक करती हूँ, तो अगर दाल में ऐसे बुलबुले आने लगे घी में तो फिर हम पिसी हुई दाल को इसमें डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। पूरी भुनाई हमें इस दाल की लो फ्लेम पर ही करनी है, लो हीट पर करनी है। तो लो फ्लेम पर इसको भूनते भूनते ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हमें इसमें एक स्टेप करना है, जिसके लिए हमें पानी चाहिए। तो ये पानी लीजिए और अपनी उंगलियाँ कुछ इस तरह से गीली करिए और दाल में इस तरह से छींटा दे दीजिए। बहुत कम पानी जाए इसका ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी का छींटा हमें नहीं देना है। छींटा देने के बाद इसको फिर भूनिए और फिर 5 मिनट हो गए मुझे भूनते। ये देखिए, दाल का कलर भी चेंज हो गया। अब इस 5 मिनट के बाद मैं फिर इसमें पानी का छींटा डालूंगी। ये देखिए, बिल्कुल ही ज़रा सा पानी का छींटा मैंने दिया, एकदम उंगलियों पे जितना पानी आता है ना, बस उतनी पानी का छींटा आप दीजिए। उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना है, नहीं तो दाल हमारी गीली हो जाएगी और ये हलवा बन जाएगा दाल का। तो ये 10 मिनट हो गए मुझे भूनते, भुनाई लो फ्लेम पे ही हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। दाल को हमें कंटिन्यूस चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में ही चलाते रहना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो ये देखिए, 5 मिनट और हो गए दाल को भूनते हुए। तो एक बार पानी का छींटा और देंगे दाल में, उसी तरह से बिल्कुल ज़रा सा पानी का छींटा दीजिए और 5 मिनट और भून लेना है। तो आप चाहें तो इस कलर पे भी दाल को बंद कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कलर पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। टोटल 20 मिनट भूना है मैंने इस दाल को, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे, और ये कलर आ गया 20 मिनट भूनने के बाद। और ये देखिए, दाल ने इस तरह से घी छोड़ दिया है, ये इंडिकेशन है कि दाल रेडी हो गई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इस स्टेज पर फ्लेम बंद करके मैं कढ़ाई को तुरंत ही गैस से हटा लूँगी और इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, क्योंकि ये देखिए दाल अभी और कलर पकड़ती जा रही है, तो इसे तुरंत ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप चाहें तो दाल को थोड़ा सा कम भून सकते हैं, तो ज़्यादा कलर नहीं पकड़ेगी दाल। मुझे यही कलर पसंद है तो मैंने इतना भून लिया। अब इसको हमें ढक कर रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। तो ये देखिए, 7 से 8 घंटे हो गए, घी अच्छे से जम चुका है। अब इस दाल और घी के मिक्सचर को हमें कढ़ाई में से निकालना है, तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से खुरच लूँगी और साथ ही इसमें जो भी लम्स पड़े हैं, गांठे पड़ी हैं, उनको भी दबा दबा कर दूर कर लूँगी। घी जो कि बिल्कुल जम चुका है, मैंने दाल को 7 से 8 घंटे का रेस्ट दिया था ना, इस वजह से। तो ये दाल के सारे लम्स ख़त्म हो गए। अब हमें इन्हें कढ़ाई में से खाली करके एक परात में डालना है। परात में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अब हमें दाल और घी के मिश्रण को फेंटना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम दही बड़े के मिश्रण के लिए दाल के बैटर को फेंटते हैं या बेसन के बैटर को फेंटते हैं पकौड़ों के लिए, कढ़ी के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हाथ के ऐसे मूवमेंट से आपको इसे फेंटना है। साथ ही साथ इसमें अगर कुछ गांठे बच गई हों तो उनको भी तोड़ते जाइएगा कुछ इस तरह से। तो शुरू में आपको लगेगा कि दाल बहुत ड्राई सी है हमारी, जिसकी वजह से फेंटने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही 2 से 3 मिनट ये दाल फिट जाएगी उसके बाद देखिएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने दाल को फेंट लिया, अब दाल जो है पतली सी होनी शुरू हो गई है।
ज़रा सा और फेंटिए तो देखिए ये और पतली हो जाएगी। तो ये देखिए इतनी पतली हो गई है दाल, जिससे फेंटना अब बहुत ही आसान हो गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे हमें हाथ से ही फेंटना है, हैंड ब्लेंडर या मिक्सी वगैरह का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा और घी पिघल जाएगा इसमें। तो हाथ से इसको 7 से 8 मिनट फेंटने के बाद ये देखिए दाल बिल्कुल हल्की हो गई है, क्रीमी टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल बटर जैसी हो गई है और कलर भी बहुत लाइट हो गया है। तो अगर आप दाल को थोड़ा हल्का भूनिएगा तो ये मिक्सचर जो है सफ़ेद जैसा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा भुना था इसको। अब इसके बाद मैंने 1 कप चीनी ली और उसे पीस लिया। तो आप भी 1 कप चीनी लेने के बाद उसको पीसिएगा, नाप पहले लीजिएगा। हमें पाउडर्ड शुगर को नहीं नापना है, हमें क्रिस्टल शुगर को नापना है और फिर 1 कप पीसी हुई चीनी हमें पूरी यूज़ कर लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा कर चीनी मिक्स किया मैंने, क्योंकि चीनी में भी जो गाँठें पड़ी हैं उसको भी हटाना है। इस तरह से करके मैंने सारे शुगर पाउडर को इसमें मिक्स कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक सर कर लेना है, बढ़िया सा मिक्स कर लेना है। तो इस मिठाई का ये एक फिक्स रेशियो है, 1 कप दाल में 1/2 कप घी और 1 कप क्रिस्टल शुगर का पाउडर। आप चाहें तो 1.5 कप तक भी शुगर ले सकते हैं, लेकिन 1 कप शुगर में ये बिल्कुल सही मीठा बनता है। बट ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर ज़्यादा मीठा करना हो तो आप 1.5 कप तक शक्कर ले लीजिए। तो ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद ये देखिए एक डो जैसी कंसिस्टेंसी आ गई, अब एक ये बॉल बन जा रही है। अब इसको हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना है, नहीं तो घी पिघलने लगेगा, जिससे शेप देना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, ठंडा होने के लिए 5 मिनट। 5 मिनट बाद हमें इसको शेप करना है। आप चाहें तो इसके लड्डू या पेड़े बना सकते हैं, लेकिन ये जो मिठाई है ना, जिसका नाम मगदल है, जी हाँ, पहली बार मैंने आपको इस मिठाई का नाम बताया ना, तो मगदल का एक यूनिक शेप होता है, जिसके लिए हमें मिक्सचर को कुछ इस तरह से रोल करना होता है, फिर चाकू की हेल्प से काट लेना होता है, जैसे हम पूरी के लिए पेड़े काटते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। तो ये देखिए कितना लाइट बना है, जालियाँ पड़ गई हैं इसमें एरी होने की वजह से। इस तरह से करके आप सारे मगदल का शेप कर लीजिए। एक बार फिर मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे रोल करिए, साइड्स को फिर इवन कर लीजिए चाकू की हेल्प से, या काट के साइड निकाल दीजिए जिससे कि इवन हो जाए, और फिर अपने मन मुताबिक छोटे या बड़े पीसेस काट लीजिए। तो ये देखिए सारे पीसेस कट गए मगदल के, रेडी हो गए मगदल। लेकिन अभी ये बहुत प्लेन सा लग रहा है ना, तो इसको थोड़ी सी गार्निशिंग की ज़रूरत है, वो कर लेते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, पिस्ता कटी हुई, इलायची के दाने और मिश्री के दाने, हरी इलायची के दाने चाहिए हमें। तो जो कटी वाली साइड थी मगदल की, उसी साइड पे हम कटे पिस्ते रखेंगे, मिश्री रखेंगे और हरी इलायची के दाने रखेंगे, और इनको हल्के से प्रेस कर देंगे जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाएं, गिरे ना। ज़्यादा नहीं प्रेस करिएगा, नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मिठाई थोड़ी सॉफ्ट है। तो इस तरह से करके सारे पीसेस को गार्निश कर लीजिए, और ये देखिए आपकी ये मगदल तैयार है, बिल्कुल यूनिक टेस्ट वाली, खाने में बिल्कुल हल्की और एक यूनिक सा दानेदार टेस्ट मुंह में आएगा जो घुलता जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा इस पर और शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं फिर से मिलने के वादे के साथ, बाय।